ये भी एक नई कंपनी है, तो हर आदमी, और मुझे लगता है कि तभी लोग, कोई भी कंपनी लॉन्चिंग होती है तो पहले खेसारी का ही गाना चढ़ता है, क्योंकि उनका विश्वास हो। ये मेरा सौभाग्य है जो लोग मुझे अपने विश्वास में रखते हैं, और एक कलाकार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि वो लोगों के विश्वास में है, क्योंकि हम विश्वास हैं तभी तक जिंदा है, जब विश्वास नहीं है तब तक हम किसी के ना दिल में है और ना ही दिमाग में। और कोई सवाल? देखिए, ये खूबसूरत तो बला की है और बहुत खूबसूरत हैं, भगवान ने इनको हाई पर्सनालिटी दिया है। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं सेट पे ही मिला था और मुझे लगता है कि आज फिर दूसरी बार मिला मैं इनसे, बट जितना ओवरऑल हम लोग के साथ ये काम की, बहुत प्यारी काम की, बहुत मेहनती भी हैं, क्योंकि गर्मी बहुत था उसके बावजूद भी ये अपना बेहतर तरीका से इन्होंने किया। और मेरी शुभकामना है कनिष्का, अरे यार कनिष्का जी के साथ की तू नाम चेंज कर रही है, तू अपन नाम लेकर ही रख दो, हमार खेसारी तहर लेकर ही आए हम रखी, तू भाई बड़ा मिस्त्री तारा ढेर लोग कहता जी केकर नाम कर रही। तो बस कनिष्का बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस और बहुत प्यारी मेहनती भी हैं, तो ईश्वर मेरी शुभकामना है इनकी, इनके लिए और पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से कि आगे भी ये बेहतर ऐसे ही काम करती रहे। आओ कनिष्का, इधर आ जाओ, आप कुछ बोलो। नमस्ते, आपका अनुभव कैसा रहा ट्रेंडिंग स्टार के साथ काम करने का? सारी जी खुद एक सुपरस्टार है, इनके साथ काम करना सबके लिए एक सपना होता है, मेरे लिए भी इनके साथ काम करना एक सपना जैसे ही था। कौन इनका फैन नहीं है, इनके सारे ट्रेंडिंग गाने हर कोई देखता है। मैं इनकी फैन तब से हूँ जब से बिग बॉस में आए, उससे पहले से। तो जैसा इन्होंने माहौल बनाया, जैसा इन्होंने समझाया, जो इनका पैशन है अपने काम के लिए, जो एक्सपीरियंस है वो कहीं भी नहीं मिलता। इन्होंने बहुत प्यार से समझाया, मैं नहीं हूँ, मेरा पहला गाना था, तो जैसे उन्होंने मुझे एक एक चीज़ छोटी छोटी समझाई, हैट्स ऑफ, उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। अगर ये नहीं होता तो मैं खाना नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। अरे मेरे लिए बोल रही है, बजाओ ना रे। इनकी पर्सनालिटी, इन्होंने कभी झूठ का साथ नहीं दिया, जो इनके दिल में आता था ये वही बोलते थे। मेन पर्सनालिटी का शो है तो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई है जो कि सबको पसंद आई है, तभी आप लोग यहाँ पे हैं। अरे ये तो बाकी लोग के पसंद नहीं आता है। हम सच बोल देते हैं पगली, अब नहीं जानती हो भोजपुरी इंडस्ट्री को, जे जे सच बोला लू फंसल। हम फंस जाइले सच्चे बोल के, कोई बात नहीं, प्यारी हैं इसलिए इनको मैं प्यारा लगा। हमारी सोच, हमारे सोच, हमारा नेचर, हमारा जुबान, जो हम सोचते हैं वही बोलता है, तो ये प्यारी हैं इसलिए मेरे बारे में बेहतर बोल रही हैं। बाकी मैं बेहतर कितना हूँ, अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जी हम दोबारा जन्म न ले ऐसा सब में भेजबू जहाँ नमक खाती लोग लड़ाई करेला, वही सब में जाए जहाँ प्याज खाती फैटा फैटी होला। देखो पूजा, हम जिस जगह से आते हैं ना, वहाँ हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं ताकि लड़ाइयाँ ना हो। हम माइनस करते हैं जीवन में और माइनस करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें दो रोटी कम भी मिले फिर भी अपने जीवन को खुशी खुशी काट लेते हैं, क्योंकि हमें खुशी और खुशी से काटने आता है जीवन को। इसलिए ठीक है, वो शो है, वो शो का हिस्सा है कि वहाँ लड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बातें रखिए, लेकिन बेमतलब की बातें रखिए, हमारे पास रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक रिमोट वाला आदमी तो होने की रिमोट से शुरू हो, रिमोटे पर ख़त्म। खेसारी लाल यादव, आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके बदौलत मैं हर जगह हूँ, सिर्फ एक जगह नहीं। और बिग बॉस अच्छी जगह है, जो भी उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उनको एक बड़ा नाम मिलता है, बुरी चीज़ नहीं है, वो मस्ती की बातें थी। बट कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता है, सबके लिए बेहतर है, सब लोग बेहतर करते हैं, जिनकी जो क्षमता है उस हिसाब से दुनिया उनको प्यार करती है। कहो, बोलो बोलो। हम लोग यही चाहते हैं कि ये नए
नया चैनल है जिसपे अच्छा रिस्पॉन्स इस वक्त अभी देख रहे हैं हम लोग, अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है और हर बार की तरह चाहते हैं कि ट्रेंडिंग भैया का ट्रेंडिंग दिखे। तो भगवान से यही आशा करूँगा सबकी ब्लेसिंग्स इस गाने को मिले और आगे वाले प्रोजेक्ट जितने भी हैं हमारे, नींबू खरबूजा भाई 2.0 बिलियन में जाए फास्ट। अभी जादव जी के झंडा भी आ रहा है। और देखो खाली सवाल पूछते हो, सब्सक्राइब नहीं करते सब लोग, तेरे पे विश्वास है। तू तो जिस दिन मेरा गाना रिलीज होता है 3 दिन तक नहीं सोता है कि जल्द सब्सक्राइब नहीं करेंगे तले सोएंगे नहीं है ना। और कोई सवाल? राजा राम का टीजर, हाँ राजा राम का टीजर काफी लोगों ने पसंद किया है, कौन सी फिल्म ने भी एक मैसेज दिया दर्शकों को कि फिल्म देखें जब रिलीज, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भोजपुरियों का ये कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि अपने भाषा की कोई भी चीज़ हो तो हम सबको मिलकर प्रमोट करना चाहिए, वो चाहे पवन भैया का हो या मेरा हो या दिनेश भैया का हो या रवि भैया का हो, किसी भी एवरीथिंग जितने भी हमारे भाषा के लोग अपने भाषा में योगदान दे रहे हैं, हम सबका ब्लेसिंग मिलना चाहिए हर कलाकार को, हर सिनेमा को, ताकि सिनेमा बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हमारा भाषा बड़ा होगा। तो भोजपुरी की कोई भी चीज़ आए तो हम सबको ब्लेसिंग देना चाहिए और उस पर हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मैंने नहीं सुना है कि कहाँ बोला उन्होंने, लेकिन आपने बोला है तो सही होगी, इसलिए थैंक यू भैया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि और न्यू चैनल चालू करने के लिए तो पहली बात हर कोई यही सोचेगा कि खेसारी जी का पहला गाना लॉन्च हो अपने चैनल पे, हमारे जो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल का ही नाम आता है, तो जी का भी मैं और कनिष्का जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला इस पहले सॉन्ग के लॉन्च करने के लिए, और आप लोग से यही गुजारिश है कि इसको कम से कम 100 मिलियन तक पहुँचाने की आप लोग जाएगा जाएगा, बस आप लोग से यही कहना था। 100 मिलियन नहीं 1000 मिलियन जा गई, 100 मिलियन में खुश हो जाते हैं। अगली बार हम इन्हीं को फिक्सिंग कराएंगे, देख रहे आदमी हीरो की तरह मेरे से ज्यादा सच हंस के आए हुए हैं, लग रहा है जो हीरो यही है। लेकिन थैंक यू, ये जेंटलमैन आदमी है और अपने आप को हमेशा उर्जवान रखते हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि गोविंदा भाई एक ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों गाने करें आप, हर कलाकार का करें, हर जितने भी भोजपुरी भाषा के लोग हैं वो सब लोग आपका प्यार पाना चाहते हैं, इसीलिए आप भी पाइए और आप भी अपना प्यार दीजिए। खत्म अब गाना ना हो गया ना, अभी और कुछ है क्या, और कोई सवाल है? ए जिज्ञासा से अलग कौन सवाल मत करी, हेलो ना डिसाइड नॉट डिसाइड, हम किसी के बारे में बोलने वाले देखिए, मेरा वो मेरा हृदय है और मेरा, अरे आइए आइए, अरे आइए ना, हमारे बड़े भाई सुभाष पासी जी हैं और हम लोग के गार्जियन हैं और उनका प्यार हम सब कलाकारों को मिलते रहता है, तो थैंक यू भैया, अभी आए और शोभा बढ़ाए। जहाँ तक रही बाढ़ की सवाल की, मैं लोगों का मदद करने के लिए गया, मैं पहली बार नहीं गया हूँ, हमेशा मुझे लगता है ना कि अगर किसी का सेवा करना हो ना तो मन में सेवा भाव होना चाहिए, पैसे से नहीं होता कुछ किसी का सेवा, बस आपके मन में इरादा आपका बड़ा है तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको देख कर बड़ा हुए, ये काम किए तो आप इंस्पायर कहाँ से हुए? अगर आपको काम करना है ना तो किसी से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे क्योंकि आपको करना है, तो क्यों हम किसी को भगवान बना के और हम जाकर वो काम करें? अगर हम चाहें
तो मुझे किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं, अगर हम चाहें तो वो काम अगर करना है तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो हजारों इंस्पिरेशन लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण राम रामायण है, रामायण के लोग पढ़ते तो हैं लेकिन राम के आचरण को आज तक नहीं अपना पाए। तो अगर आपको अपनाना है और जो अपनाया वो अपने आप में बड़ा हो गया, तो कोशिश करिए कि किसी को इंस्पिरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको करना है आप कर लोगे। तो मेरे मन में हमेशा लोगों के लिए और बिहार यूपी के जनता ने खेसारी को बड़ा किया है। अगर वो दुख में है, अगर उनके दुख में मैं ही शामिल ना हूँ तो फिर बिहार का बेटा और बिहार का खेसारी कैसा। तो कोशिश रहती है कि अगर मैं थोड़ा भी किसी का मदद कर सकूं या किसी के काम आ जाऊं तो यही तो जिंदगी है। अगर ये जिंदगी किसी के काम ही नहीं आती है तो फिर आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश करिए जब अगर जिंदा है तो किसी के काम आ जाए। जिंदगी में एक चीज तो उन्होंने बता दिया कि जो आदमी सिर्फ परिवार को देखता है ना तो 5 लोग रोते हैं, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को परिवार बना दीजिए तो पूरे हिंदुस्तान को। तो जिंदगी में अगर बनाना है ठीक है, जिम्मेदारी हमें भी मिली है, आपको भी मिली है, यहाँ सबको जिम्मेदारी मिली है। अगर आप इस परिवेश में हैं, इस दुनिया में हैं, तो पत्नी होगी, बच्चे होंगे, भाई दो साथी होंगे, बट इसके अलावा भी अगर आप चाहिए तो आपका पूरा परिवार हिंदुस्तान हो सकता है, पूरा देश हो सकता है। जिसने अपना परिवार पूरे देश को बना लिया, मैं पहली बार सच पूछिए तो जिस दिन रतन टाटा जी हमें छोड़ के गए उस दिन एक चीज हमें सीख को मिली, सीखने को ये मिला कि खेसारी अगर 1 करोड़ रुपये कमाओ तो कम से कम 20 लाख लोगों के लिए दान करो यार, क्योंकि 80 लाख तो है ना आपके बच्चों के लिए। तो कोशिश करो ना, भगवान बनने की जरूरत नहीं है, भगवान कोशिश करोगे तो बन ही जाओगे, भगवान बन गए तो बन गए, हर आदमी बनने ही आया है, बस बनके क्या जाना है ये मायने रखता है। तो हम बनके क्या जाते हैं ये मायने रखता है। और रतन टाटा जी जैसे इंसान अगर इस धरती पे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी गरीब होंगे, क्योंकि उनकी जो भी संस्था में चीजें हुई हर गरीबों के लिए होंगी। तो आपका बेटा कल भूल सकता है लेकिन ये हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता कि रतन टाटा जी को कभी भूल पाएगा, क्योंकि उनकी की हुई कीर्तिमान जब तक ये धरती रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। तो जो भी बड़ा आदमी है मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने लिए कुछ करके जाइए। अभी तक तो आप खेसारी लाल ऋषभ के लिए कमा रहा है, कृति के लिए कमा रहा है, अच्छा मान के चले अभी उम्र है तो गौरी हो जाए सब तो उनके लिए कमाएगा। तो मैं सिर्फ 4 बच्चों के लिए कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ नहीं, अगर मैं चाहूँ तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार बन सकता है, बस क्षमता बढ़े, लोगों का प्यार मुझे मिले, ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बना के और इस परिवार के लिए कुछ करके चला जाऊं।